आते हैं बेटे एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट टॉपिक है 10.1। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे, ओके, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करिए। ओके, तो हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तो आप लोग को आता ही है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं, उसके बाद 120 डिग्री ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, तो इनिशियल रे गिवन, लेट करते हैं, एक रे आपको ए भी एक रे है, लेट कर लीजिए, लेट ए भी इज ए गिवन रे, ठीक है, ए बी के रे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये आपका इनिशियल पॉइंट है ए, ओके, या वो ए लिख सकते, नो प्रॉब्लम, ए लेते हैं, ए बी क्या है, आपको एक रे है, गिवन रे है, आप कहते हैं इसके इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इसका कौन सा, ए है, कहते हैं इसके इनिशियल पॉइंट पे आप एंगल बनाएंगे क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने के लिए जैसे हमने 60 डिग्री ड्रॉ किया तो वैसे करना है, आप क्या करें पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे, पॉइंट ए पे क्या करेंगे हम लोग, कंपास रखेंगे। ओके, किसी भी रेडियस पे आप एक आर्क ड्रॉ करो, रेडियस आपकी मर्जी जो ले लो, ठीक है, अब मैं आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ एक, ओके, ड्रॉ कर दिया। अब देखो ए आर्क जो ड्रॉ किया पॉइंट ए पे, हमने कंपास रखा, हमने रेडियस ले लिया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आपकी मर्जी जितना ले लो रेडियस, अब पॉइंट ए पे कंपास रखो और आर्क ड्रॉ कर दो, कर दिया। अब देखिए ए आर्क ए बी को जहाँ कट किया उसे पॉइंट कुछ मान लो, पॉइंट पी मान लेते हैं, पॉइंट पी ले लिया। ओके, अब पॉइंट पी पे हम कंपास रखेंगे, पॉइंट पी पे कंपास रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे, रेडियस वही लेंगे जितना पॉइंट ए पे लिया था रेडियस, अब चेंज नहीं करेंगे, उसी रेडियस पे हम क्या करेंगे फिर आर्क ड्रॉ करो, आर्क ड्रॉ करो। ओके, ड्रॉ कर दिया, इसे पॉइंट मान लो क्यू, क्या लें, पॉइंट क्यू ले लो। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट क्यू पे फिर कंपास रखो, पॉइंट क्यू पे फिर क्या करेंगे हम लोग, कंपास रखेंगे, फिर उसी रेडियस पे, रेडियस चेंज नहीं करना, जितना ए पे लिया जितना पी पे हम लिया रेडियस उतने रेडियस लेंगे पॉइंट क्यू पे, पॉइंट क्यू पे कंपास रखो, फिर अगेन आर ड्रॉ करो, क्या करेंगे अगेन आर ड्रॉ करो, कर दिया, उसे पॉइंट ले लो कुछ आर, पॉइंट आर ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्चुअली है क्या, अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे बच्चे, देखो ए और क्यू को ज्वाइन करो 60 डिग्री एंगल बनेगा, कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा, फिर ए और आर को ज्वाइन करेंगे क्या बनेगा, ये आपका ए बन जाएगा आपका 120 डिग्री, क्या बनेगा 120 डिग्री, 60 का डबल हो गया, देखो जितना आर्क यहाँ लिया उतने यहाँ पे लिया, चेंज नहीं किया, अगर ये 60 बना तो ये भी 60 बन गया, 60 प्लस 60 वन, ये पूरा एंगल क्या बना 120 बन गया। अगर 120 बनाने के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जितना जितना हमने पी से क्यू लिया रेडियस उतने रेडियस हमने लिया क्यू से आर को, हम जब आर ड्रॉ किया था तो ए 60 डिग्री तो ए भी 60 डिग्री एंगल हो गया, 60 प्लस 60 टोटल एंगल कितना हो गया 120 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल है देखो बच्चे, ये जो एंगल है इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका क्या करेंगे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कैसे एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यानी पॉइंट क्यू पे हम क्या करेंगे कंपास रखेंगे, दूसरे बार पॉइंट आर पे कंपास रखेंगे और एक आर ड्रॉ करेंगे पॉइंट क्यू से भी पॉइंट आर से भी, और उसका रेडियस क्या लेंगे, जो आर क्यू का लेंथ है इसका, जो देखो इसका जो लेंथ है आर क्यू का, इसके लेंथ से आधे ज़्यादा जितना ले लो, इससे ज़्यादा भी ले लो, इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हो,
लेकिन आधे आधे से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। किसका? एंगल आर ए क्यू का। एंगल आर ए क्यू कौन सा एंगल? ए वाला एंगल। तो पॉइंट क्यू पे हम कंपास रखा और आर ड्रॉ करो। रेडियस बताया कितना लेना है, जो लेंथ है आर क्यू का उससे आधे ज़्यादा, आधे ज़्यादा जितना ले लो, जितना ज़्यादा ले लो नो प्रॉब्लम। ड्रॉ कर रहे हैं, इधर ड्रॉ किया पॉइंट क्यू से, फिर पॉइंट आर पे रखो कंपास, उसी रेडियस पे, रेडियस चेंज नहीं करना है। या ऐसा करो बच्चे, ध्यान दो, जितना ए पे हमने लिया था रेडियस, रेडियस वही फिक्स रखो, रेडियस चेंज मत करो, है ना, वही चेंज नहीं करनी है। ए पे जितना लिया उतने पी पे लेंगे, उतने क्यू पे, उतने आर पे, चेंज मत करो बस आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओके, तो अब हमने क्या किया, पॉइंट क्यू से, पॉइंट क्यू पे रखा कंपास और आर ड्रॉ कर दिया, फिर पॉइंट आर पे हम कंपास रखेंगे, फिर आर ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। ओके, जहाँ कट किया दोनों आर, उसे कुछ पॉइंट दे दो। तो मान लो पॉइंट दे दिया, इसका नाम दे दिया, कुछ दे दो, पॉइंट सी दे दे, पॉइंट सी दे दिया, पॉइंट सी दे दिया। अब पॉइंट सी को ए से ज्वाइन करो, ए से ज्वाइन कर दो, एक मिनट, ये पॉइंट सी हो गया, एक कर दो, ठीक है। अब ये एंगल हो गया सी ए बी, ये पूरी एंगल 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया एंगल? 90 डिग्री हो गया। अब इसे जस्टिफाई करेंगे, ये 90 डिग्री कैसे है। ओके, क्या लिखेंगे, समझे कैसे करना है? पॉइंट ए पर कंपास रखो, देखो कैसे कैसे करेंगे। पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे, किसी भी रेडियस पे हम आर ड्रा करो, आर ड्रा करो तो वो आर ए बी को कट किया, जहाँ कट किया उसे पॉइंट पी ले लेंगे। आप पॉइंट पी पे कंपास रखेंगे, ओके, और उसी रेडियस पे हम आर ड्रा करेंगे। फिर तो आर ड्रा करेंगे तो क्या हुआ, जहाँ कट करेगा पहले वाले को आर को, तो उसे पॉइंट क्यू ले लेंगे। फिर पॉइंट क्यू पे कंपास रखेंगे और उसी रेडियस पे फिर आर ड्रॉ करेंगे, जहाँ कट करेगा पहले वाला रेडियस को आर को, उसे पॉइंट आर ले लेंगे। अब पॉइंट आर पे और पॉइंट क्यू पे कंपास रखेंगे बारे बारे से, तो आर ड्रॉ करेंगे और रेडियस वही लेंगे, यहाँ कट करेगा और इधर भी कट करेगा, जहाँ कट करेगा उसे पॉइंट सी ले लिया, सी को ए से ज्वाइन कर दिया, सी को ए से क्या किया, ज्वाइन किया। तो अब इस तरह से एंगल बन गया, कौन सा एंगल, ए वाला एंगल, देखो एंगल कौन सा है, ए वाली एंगल, यानी सी ए बी, ये क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया। अब इसे जस्टिफाई करेंगे, ये 90 डिग्री कैसे है, ये 90 डिग्री कैसे, इसे जस्टिफाई करेंगे। ओके ओके, देखो बच्चे लिखेंगे ये एंगल सी ए बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ओके, अब देखो बेटे, अब जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन, अब देखो सिंस लिखेंगे, सिंस, देखो सिंस एंगल क्यू ए पी कितना है, 60 डिग्री है। ओके, यानी ए एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है, और ए वाली एंगल भी कितना है, ए वाली एंगल भी कितना है, ए भी 60 डिग्री है, एंड एंगल आर ए क्यू, आर ए क्यू ए भी 60 डिग्री है, कितना है, यानी आर ए क्यू ए भी 60 डिग्री है। ओके, अब हमने तो क्या किया, देखो बच्चे, अब हमने क्या किया, जो एंगल आपको ये एज एंगल है, देखो ए वाले एंगल को हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस एंगल का बाइसेक्टर, तो आधा एंगल इधर होगा, आधे एंगल इधर, ये पूरा एंगल क्या है, 60 डिग्री है, इसका ए 30 डिग्री हो जाएगा, ए भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब बेटा ए कितना है,
ये एंगल आपका 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री में 30 डिग्री प्लस कर दोगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 प्लस 30 क्या 90 डिग्री हो गया, प्रूफ हो गया। इसी का अब प्रेजेंट करने लिखना है। ओके ओके तो क्या करेंगे हम लोग, ये 30 डिग्री है ओके लेकिन सिंस इस CA इस एंगल का बाइसेक्टर है कौन सा एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का नाम है RAQ। लिखेंगे सिंस CA इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल RAQ यानी ए वाले एंगल RAQ का बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, CA के लेफ्ट साइड ए वाले एंगल आधा हो जाएगा, ए वाले एंगल भी आधा हो जाएगा। देयरफॉर ए एंगल और ए एंगल इक्वल है। इस एंगल का नाम है RAC, क्या नाम है इस एंगल का, क्या नाम है पहले वाले एंगल का नाम RAC, दूसरे वाले इस वाले एंगल का क्या नाम है CAQ। क्या हो जाएगा तो एक बार साफ कर देता हूँ। ओके तो हमने क्या किया तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो जाएगा RAC और जो CAQ, देखो देयरफॉर एंगल RAC इक्वल एंगल CAQ, CAQ इक्वल है और किसके इक्वल है, पूरी एंगल का हाफ इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल RAQ यानी ये पूरा एंगल है RAQ यानी यहाँ से लेके पूरा एंगल क्या है RAQ, इसका ए भी हाफ है, ए भी हाफ है। ओके तो ए एंगल है कितना, तो 60 डिग्री है, एंगल है कैसे यहाँ 60 डिग्री पुट करो, दिस इंप्लाई दैट एंगल RAC इक्वल टू एंगल CAQ इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू एंगल कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री डिवाइड करो कितना आ गया 30 डिग्री। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल आ गया RAC इक्वल टू एंगल CAQ इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। अब बेटे ए एंगल हो गया कितना, देखो ए वाली एंगल आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ए वाली एंगल, ए एंगल 30 डिग्री हो गया यानी ओके तब तो ये आ गया आपका, ये 30 डिग्री एंगल आ गया है ना, और ये कितना आपका ए वाली एंगल है आपको 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 90 हो गया। तो इस जो एंगल CAP है ना, ये एंगल है आपको CAB दो एंगल के सम है, ए वाली एंगल प्लस ए वाली एंगल। नाउ एंगल CAB लिखें, एंगल नाउ एंगल CAB इक्वल टू, अब इसका दो पार्ट है, एक एंगल है CAQ प्लस एंगल QAB ये ना, देखो यहाँ CAB का दो पार्ट है, ए वाला एंगल, इस एंगल का नाम है CAQ और इस एंगल का नाम है क्यू, क्या है QAB। तो ए 30 डिग्री है, ए 60 डिग्री है, ये सिंपल है दैट CAQ कितना है, देखो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो गया। और QAB कितना है, ऑलरेडी ऊपर ही लिख चुके हैं हम लोग, QAP लिखो या QAB लिखो, दोनों एक ही है। देखो P कहाँ पर, AB पे लाई कर रहा है, तो अब AP लिखो या AB लिखो एंगल तो सेम एंगल आएगा, QAP लिखो या QAB लिखो तो एंगल यही बनेगा, ए वाला एंगल 60 डिग्री, तो ए एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 प्लस 30 कितना आ गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल क्या हो गया, एंगल CAB इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, ये प्रूफ करना था, जस्टिफाई हो गया कि एंगल CAB क्या है, ये आपका 90 डिग्री है।
तो क्या ऐसे दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा था जो प्रेजेंट करने के तरीका हो गया, दिख रहा है कि हमने क्या किया कि इस वाले एंगल को हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, तो आधा एंगल इधर हो गया आधे इधर, ये पूरे 60 डिग्री है, 30 डिग्री इधर हो गया 30 डिग्री इधर हो गया, ये तो 60 डिग्री है, ये 60 में 30 प्लस कर देंगे तो कितना 90 हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया जस्टिफाई हो गया, एंगल सी ए बी कितना है 90 डिग्री है। ओके ठीक ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन में सेकंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। बेटा 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए पहले 90 डिग्री बना लेते हैं। ओके 90 डिग्री को बाइसेक्ट करोगे, 90 डिग्री को अगर बाइसेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। ओके ओके ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 90 डिग्री बना लेते हैं, 90 को आधा करेंगे क्या 45 डिग्री बन जाएगा, जैसे अभी किया 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, करो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले, देन उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेट कर लेते हैं, क्या करेंगे एक मिनट, लेट करते ए बी एक, ए बी एक गिवन रे, ए बी एक गिवन लेट कर लेते हैं, ए बी ए गिवन रे, अब इसका इनिशियल पॉइंट क्या ए है, हम पॉइंट ए पे आएंगे, फिर 90 डिग्री बनाओ, जैसे 90 डिग्री हमने बताया ना वैसे करो, तो किसी भी रेडियस पे आर ड्रॉ करो, कर दिया ड्रॉ। ओके जहाँ ए बी कट किया उसे पॉइंट कुछ ले लो, पॉइंट पी ले लिया, अब 90 कैसे बनाते हैं, फिर पॉइंट ए पे हम आर क्या करेंगे, पॉइंट पी पे कंपास रखेंगे, रेडियस वही रखेंगे जितना पॉइंट ए पे लिया था, चेंज नहीं करेंगे, इस तरह सेम रेडियस रखो सभी जगह, तो पहले बार आर ड्रॉ करो, कर दिया, फिर दूसरी बार आर ड्रॉ करो, 90 बनाना है ना, ड्रॉ कर दिया, अब मान लो ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। ओके तो फिर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पे फिर हम लोग कंपास रखेंगे, क्या करेंगे क्यू पे रखेंगे फिर आर पे रखेंगे, रेडियस वही रखो जितना पॉइंट ए पे लिया था, पी पे क्यू पे रेडियस चेंज मत करो, फिर पॉइंट क्यू पे कंपास रखे आर ड्रा करो, ठीक है ड्रा कर दिया, फिर आर पे रखो ड्रा कर दिया, अब दोनों ज्वाइन करो, ए जहाँ कट गया उसे कुछ पॉइंट ले लो, मान लो पॉइंट एस ले लेते हैं, जो मर्जी ले लो पॉइंट आपकी मर्जी, या पॉइंट एम ले लेते हैं, इसे ज्वाइन करते हम लोग एक मिनट, जहाँ कट गया उसे पॉइंट मैंने क्या लिया एम ले लो, पॉइंट एम ले लिया। ओके अब ये 90 डिग्री बन गया ना, क्या बन गया ये पूरा 90 डिग्री बन गया, 90 बन गया, अब 90 को हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, अब बेटे ये जो ए एम पहले स्टार्ट फर्स्ट जो आर्क है रेड वाली लाइन इन इस आर्क को देखो, फर्स्ट आर्क को जहाँ कट किया रेड वाले को, इस आर्क को जहाँ पे कट कर रहा कौन ए एम, उसको कुछ पॉइंट दे दो, पॉइंट मान लो इसका दे दो कुछ यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट मान लो सी ले लिए, पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है ये आपका क्या है ए एंगल 90 डिग्री है, आपका तो इसको 45 डिग्री बनानी है, 90 तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे पहले बनाया था 90 डिग्री वैसे बना लिया है ना, ऐसे नहीं बना था 90, ये पूरा एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन गया यहाँ भी। ओके अब हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास को एक बार जीरो पे लो, पॉइंट पी की पी क्या है जीरो पे है, पॉइंट पी पे लो। ओके अब दूसरी बार कहाँ लेंगे, पॉइंट सी पे लेंगे 90 डिग्री पे, यहाँ पे
पॉइंट सी पे कंपास्टर को एक बार कहाँ रखेंगे, पॉइंट पी पे रखेंगे, यानी एक बार जीरो पे रखना, पॉइंट पी जीरो पे है और पॉइंट सी क्या है 90 डिग्री पे है। अब हम लोग इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो कैसे बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं है ना। आप जो पी सी का जो लेंथ है उसको आधे ज़्यादा रेडियस लेंगे, आधे ज़्यादा रेडियस लेंगे, और रेडियस जितना ले लो ज़्यादा ज़्यादा ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, आर ड्रॉ करेंगे, पहले पॉइंट पी पे आते हैं, पॉइंट पी से हम आर ड्रॉ करते हैं। ओके, पास्टर का रेडियस बता दिया जो पी सी का लेंथ आधे ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, कर दिए। फिर पॉइंट सी पे रखो, रेडियस वही लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, जितना पी पे लिया अभी उतने लेंगे, ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दिया। अब जहाँ दोनों कट किया उससे पॉइंट कुछ ले लो, मान लो पॉइंट डी ले लेते हो, पॉइंट डी ले लिया। अब डी को ए से ज्वाइन करें, जो इनिशियल पॉइंट है उसे ज्वाइन करो, डी डी को ज्वाइन करो ए से। ओके, तो जो एंगल बना ए वाले एंगल क्या हो गया, ए एंगल हो गया 45 डिग्री। अब 45 अब इसे जस्टिफाई करें, इस एंगल का नाम क्या, डी ए बी, डी ए बी एंगल कितना हो गया 45 डिग्री बन गया। क्यों बना, एक्चुअली हमने क्या किया अभी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्या किया बाइसेक्टर ड्रॉ किया किसका, ये जो ए डी क्या है, ए डी जो है एंग जो 90 डिग्री अभी बनाया था, एम ए बी, एम ए बी इस एंगल का हमने क्या किया बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ए डी क्या बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब आधा एंगल ऊपर है आधा एंगल नीचे है, अगर ए 45 है तो ए भी 45 होगा है ना, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री, बनाने के बना लिया। अब इसे जस्टिफाई करेंगे जैसे अभी किया था 90 में इसे कर लेंगे। ओके, तो लिखेंगे सिंस ये, सिंस एंगल क्या है यहाँ पे, देखो हियर एंगल डी ए डी ए बी इक्वल टू क्या 45 डिग्री है, अब इसे जस्टिफाई करना है 45 डिग्री ये कैसे है। ओके ओके, अब जस्टिफिकेशन करते हैं हम लोग। जस्टिफिकेशन देखिए, सिंस ये जो एंगल है आपका, ये एंगल है कितना है 90 डिग्री है, एम ए एम ए बी, सिंस एंगल एम ए बी कितना है ये 90 डिग्री है, लेकिन सिंस हमने अभी जो ड्रॉ किया ये ए डी, ए डी क्या है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो सिंस ए डी ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम ए बी, एम ए जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है, अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, आधा एंगल क्या होगा ए वाला एंगल आधा हो जाएगा, ए वाला एंगल आधा हो जाएगा। इस एंगल का क्या नाम है, एम ए डी, इस एंगल का नाम है डी ए डी ए बी, एम एंगल एम ए डी इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एम ए बी, चूँकि ए डी क्या है इस पूरे एंगल, इस पूरे एंगल क्या है बाइसेक्टर है, तो ए ए एंगल और ए एंगल क्या होगा पूरे एंगल का हाफ होगा, आधा हो जाएगा। ओके, लिखेंगे तो देखो ए एंगल अभी किया ना, तो ए वाले एंगल और ए वाले एंगल इस पूरे एंगल का क्या हाफ है, इस पूरे एंगल का हाफ है, तो ए एंगल है कितना ये 90 डिग्री है, तो दिस इंप्लाई दैट एंगल एम ए डी इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ए एंगल है कितना 90 डिग्री है, 90 पुट कर दो डिवाइड करो 45 आएगा, तो देर फुट क्या हो गया एंगल एम ए डी इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ये प्रूफ करना था डी ए बी कितना है, डी ए बी 45 डिग्री है, प्रूफ हो गया, चले दें प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाई दैट एंगल डी ए बी इक्वल टू 45 डिग्री, प्रूफ हो गया।
ओके व्हेन हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, चूँकि एंगल जो है आपको जो 90 डिग्री का हमने क्या किया, ए डी बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ बताया भी है कैसे ड्रॉ किया मैंने कि पॉइंट हमने क्या एक 90 डिग्री बराबर जो पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को कंपास लो, कंपास रखो और जो ये जीरो पे है वहाँ पे रखो, यानी पॉइंट पी पे एक बार कंपास रखेंगे और एक पॉइंट ये सी पे रखेंगे, और जो पी सी का जो लेंथ है आधे से ज़्यादा हमने क्या करना है रेडियस लेना है, और आर ड्रॉ करेंगे, इधर भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जहाँ कट करें उस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दो, तो ए डी क्या हो जाएगा बाइसेक्टर हो जाएगा इस 90 डिग्री के इस पूरे एंगल का, तो आधा इधर 45 हो जाएगा, इधर भी 45 डिग्री बन जाएगा एंगल। ओके तो प्रूफ हो गया ये क्या है, ये एंगल है डी ए बी क्या है 45 डिग्री है। ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।